आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। गाजियाबाद में गरजे सीएम योगी आदित्यनाथ, बोले वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार करने वाले हुए चित। यूपी इलेक्शन को लेकर महबूबा मुफ्ती बोली, बीजेपी की जान छुड़ाने का मौका है ये, आजादी बड़ी होगी। अखिलेश यादव का सियासी दांव, बोले चंद्रशेखर आजाद भाई की तरह मदद करना चाहते हैं तो उन्हें करनी चाहिए। रिपब्लिक डे पर दिखेगा अब तक का सबसे बड़ा फ्लाइट पोस्ट, रफेल समेत 45 एयरक्राफ्ट लेंगे हिस्सा। यूएई में यमन के हूती विरोधियों में अबू धाबी एयरपोर्ट पर किया बड़ा हमला, दो भारतीय समेत 3। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। राजनीति में एक कदम रखने के बाद पहली बार असीम अरुण कन्नौज पहुंचे, जहां ठटिया कट पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। वहीं इस मौके पर असीम अरुण ने मीडिया से राजनीति में आने की वजह बताया और अखिलेश यादव के द्वारा लगाए गए आरोपों का पलटवार किया। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं आपको। मेरे साथ ये बड़ा रोचक प्रसंग है, जिसमें कि मैं अपने पुलिस की नौकरी को पूरे मन से, पूरी ईमानदारी से कर रहा था और मैं राजनीति या राजनीतिकों से बहुत दूर था, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का बहुत बड़ा विजन है, कल्पना है, जिसमें मेरे जैसे लोगों को जो अपने फील्ड में अच्छा कर रहे हैं उनको एक अवसर दिया जा रहा है कि आप आइए लोक सेवा में जुड़िए और लोक सेवा में जुड़ करके नया और अच्छा काम करिए। मेरे लिए डबल सौभाग्य, क्योंकि मुझे वापस अपने पैतृक निवास कन्नौज अब और ज़्यादा रहने का मौका मिलेगा। हमारा घर है यहाँ पे, पिताजी ने एक संस्था बनाई है, स्कूल है, उसको हम लोग देखते हैं, लेकिन अब हम उसको और गहराई से देखेंगे और पूरे क्षेत्र में काम करने का अवसर मिलेगा। मुझे जो भी टास्क पार्टी देगी, मैंने बहुत कुछ सीखा है पुलिस के जीवन में और मुझे विश्वास है कि पार्टी मुझे भिन्न भिन्न तरीके से टास्क देगी। मैं लंबे समय तक के लिए अब लोक सेवा में हूँ, इसमें उतार चढ़ाव भी होगा, कुछ टास्क सफल होंगे, कुछ नहीं होंगे, जैसा भी टास्क मुझको मिलेगा मैं पूरा करूंगा। खबर लखनऊ से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री व बसपा सुप्रीमो का 66वां जन्मदिन उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में जगह जगह उल्लास के साथ मनाया गया। इसी कड़ी में राजधानी लखनऊ की पश्चिमी विधान सभा में वरिष्ठ बसपा नेता और प्रत्याशी कायम रजा ने अपने विधानसभा कार्यालय में समर्थकों के साथ बसपा सुप्रीमो का जन्मदिन केक काटकर और मिठाई बांटकर मनाया। हमारा तो पूरे दिली इच्छा है कि हमारी बहन जी 66 वर्ष की अपनी पूरी हो गई, उनकी खुशी में हम लोग केक काटा और खुशियां मनाए, लड्डू बटे। हम चाहते 1000 वर्ष हमारी बहन जी जीती रहे और हमारे संगठन को, हमारे सारे सर्व समाज को लेके चले और 5वीं बार मुख्यमंत्री बहन जी बने। ये तो चुनाव आयोग ने बैन लगाया नहीं, आज का दिन जो है हर जिले में, आज लाखों आदमी हर जिले में केक काट रहा होता है और लखनऊ में भी बहुत ज़बरदस्त मनाया जाता बहन जी का जन्मदिन, लेकिन चुनाव आयोग ने 15 तक रोक लगा दी, क्योंकि आज तक अभी तक कोई रैली में इतनी भीड़ इकट्ठा नहीं कर पाया बहन जी के जन्मदिन जितनी भीड़ होती है। तो वो उसी के डर के वजह से इन्हीं ने क्या किया कि 15 तक बैन कर दिया। अच्छा, 15 तक बैन करने का क्या मकसद था आप बताओ? तो निशाना तो बिल्कुल साफ है कि 15 ही तक क्यों आपने बैन लगाया? कोरोना बढ़ रहा है तो क्या हम 15 तारीख तक बढ़ रहा था, आगे तक बढ़ाते तब तो मानते, क्योंकि हमारी पार्टी एक लाइन आर्डर की पार्टी है और हम लोग बहन जी का पूरा जो निर्देश आता है हम लोग उसका पालन करते हैं। हमारा हर कार्यकर्ता बच्चे से बूढ़े तक बहन जी का जो निर्देश आता है सख्ती से हम लोग पालन करते हैं और कहीं ना बहकते इधर उधर नहीं कि हम लोग भीड़ इकट्ठा करें, हमारा मुखिया कुछ कह रहा है, हम कर कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम लोग लाइन आर्डर की पार्टी है भाई और जो बहन जी का निर्देश होता है हम लोग उसका पालन करते हैं, करते रहेंगे। संकल्प ये लेते हैं कि पूरे हम अपनी विधानसभा, पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ में, जनता के साथ में संकल्प लेते हैं कि 2022 में माननीय कुमारी बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प ले रहे हैं। फतेहपुर
फतेहपुर सीकरी में बीजेपी प्रत्याशी चौधरी बाबूलाल ने नामांकन प्रक्रिया पूरी कर ली। इस दौरान चौधरी बाबूलाल अपनी जीत के प्रति आश्वस्त दिखे और कहा कि नाराज कार्यकर्ताओं को मनाना हमारी प्राथमिकता है और जिले के विकास कार्यों के लिए हमेशा संघर्ष करता रहूंगा। जीत में कोई शंका नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का हम लोग कार्यकर्ता है, 200% जीतेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। मेन मुद्दा भारतीय जनता पार्टी का हमारा कोई अलग नहीं है, मेन मुद्दा विकास है। खासतौर से फतेहपुर सीकरी इलाके में जो पेयजल की समस्या है उसको सब लोग मिलकर के उसका समाधान कराने की हम लोग कोशिश करेंगे। बांदा शहर कोतवाली के अंतर्गत इंद्रानगर मोहल्ले का यह बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां के वरिष्ठ भाजपा नेत्री जिला पंचायत सदस्य के भाई ने लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली है। घायल अवस्था में युवक को परिजनों ने ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया, ट्रॉमा सेंटर से प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया। तो वहीं इस घटना को लेकर सीओ सिटी ने बताया कि भाजपा नेता बहनोई की लाइसेंसी रिवॉल्वर से युवक ने खुद को गोली मारी है और यह पता चला है कि युवक का शहर की किसी युवती के संग प्रेम प्रसंग भी चल रहा था। पुलिस इस मामले को लेकर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। अभी एक 22 वर्षीय युवक लाया गया है जो जिसका पता जो है करवी चितकूट का है और इसके पेट में गोली लगी हुई है। इसको मरीज को भर्ती कर दिया गया है, इसकी डॉक्टरी परीक्षण किया गया है, इसके बाद इसको हायर सेंटर में रिफर कर दिया गया है। शुभम सिंह निवासी करवी चित्रकूट, उम्र करीब 26 साल का एक युवक है जो अपने बहनोई दीपक सिंह निवासी आवास विकास कॉलोनी के घर पर रहता था। उसने आज सुबह करीब 9 बजे उनकी लाइसेंसी रिवॉल्वर से पेट में गोली मार दी है। मौके पर रिवॉल्वर कारतूस खोखा बरामद किया गया है। युवक का इलाज ट्रामा सेंटर सदर अस्पताल में चल रहा है। हरदोई से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां के कोथाली निवादा लोचन मजरा ग्राम धरौली सालों में साफ सफाई का काम अभी तक नहीं हुआ है। साथ ही यहां पर किसी भी सफाई कर्मी की अभी तक नियुक्ति नहीं हुई है, जिससे नालियों की सफाई नहीं हो पा रही है, जिसके कारण गांव में बीमारी पनप रही है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस गांव में आज तक कोई विकास नहीं हुआ है। यहां के लोग आज भी लोगों को 9वीं सदी में जीने के लिए मजबूर हैं। कहने के लिए योगी मोदी जी ने तो विकास किया है, मगर यह विकास सिर्फ कागजों पर ही सिमट कर रह गया है। इस गाँव में आज भी गाँव से आने जाने वाले मार्ग बंद है व बारिश में दलदल के रूप में दिखाई पड़ता है, जहां पर राहगीरों का निकलना मुश्किल हो जाता है, जिसकी शिकायत पर कई बार बीडीओ से लेकर जिलाधिकारी तक की गई, मगर आज तक इस गांव में कोई विकास नहीं हुआ। कुछ सालों पहले बारात घर बना था, वहां भी खंडर में तब्दील हो गया। यहां के प्रधान और सेक्रेटरी ने जो भी विकास के लिए पैसे आए हैं उसका बंदर बांट कर लिया। अब देखना यह है कि इन भ्रष्ट अधिकारियों पर प्रशासन अपना कब तक नजर नहीं बनाती है। सीतापुर के अंतर्गत थाना क्षेत्र महोली में स्थित नेरी आरवद ग्रामीण बैंक वर्षों में लगातार अभद्रता की जा रही है। इस संदर्भ में कई बार उच्च अधिकारियों से शिकायत भी की गई, लेकिन अधिकारियों की उदासीनता के चलते अभद्रता व भ्रष्टाचार थमने का नाम नहीं ले रहा है। पूरा मामला आर्यवर्त ग्रामीण बैंक नेरी में सैकड़ों की संख्या में लोग इस कड़ाके की भीषण ठंड में आकर खुले आसमान के नीचे बाहर खड़े रहने को मजबूर होते हैं। बैंक में अंदर से ताला लगा लिया जाता है, बैंक का पूरा स्टाफ अंदर एसी के कमरे का लुफ्त लेता है, बैंक पर कुछ दलाल साहब की सुरक्षा में लगे रहते हैं, बैंक के अंदर से ताला लगा कर ग्राहकों से दुर्व्यवहार करते रहते हैं। महीनों लोग केवाईसी के लिए, पेमेंट के लिए, अनेका बैंक संबंधी कार्यों के लिए दौड़ते रहते हैं, जिससे गरीब जनता काफी परेशान है। केवाईसी फॉर्म जमा कर लिए जाते हैं और महीनों केवाईसी नहीं की जाती है। ग्राहक जब आते हैं तो यह बता दिया जाता है कि फिर से केवाईसी जमा करो। बैंक के गेट पर ग्राहक सेवा केंद्र बना रखा है, जहां पर सैकड़ों की संख्या में लोगों को खड़े रहना पड़ता है। कोरोना गाइडलाइन का भी नहीं रखा जा रहा है ध्यान। कई बार दौड़ कर ही केवाईसी फॉर्म उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन केवल दिखावटी के लिए है कि लिखा जाता है। दूरभाष के माध्यम से जानकारी मिलने पर उप जिलाधिकारी मोहली पूनम भास्कर ने मामले का जायजा लेकर उचित कार्रवाई करने के लिए बताया है।
कितना टाइम हो गया? एक घंटा ही सर। किस कार्य के लिए खड़े हैं आप? आता हमारा मतलब काम बन गई वो बने ही। अच्छा, आप सुबह भी आए थे? सवेरे आए माँ बहन यार भाई। अभी आए थे? हाँ। तो आपसे क्या बताया गया बैंक में, बैंक कर्मचारियों के द्वारा आपसे क्या बताया गया? कहीं रुका हूँ। रुकिए, कितने टाइम तक रुकिए? अभी हम आए, टाइम ना बताया, टाइम नहीं बताया गया। आगरा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां के थाना एतमादुच्छौल पुलिस ने चेकिंग के दौरान दो शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शातिरों को कब्जे में 4 मोटरसाइकिल, 2 स्कूटी व तमंचा कारतूस सहित चाकू बरामद किया है। दोनों शातिर बदमाश आगरा के विभिन्न यात्रो क्षेत्रों में इस वारदात को अंजाम दे रहे थे, वही छिनौती के अंजाम को भी ये देते। आगरा पुलिस ने थाना मदौला क्षेत्र में 2 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार किए हैं। इनका 2 पहिया वाहन चोरी करने का गैंग है और इनके पास से कुल 4 मोटरसाइकिल, 2 स्कूटी, 1 अवैध तमंचा और कारतूस और चाकू बरामद किया गया है। तो जो 6 गाड़ी बरामद हुए हैं वो इन्होंने अलग अलग थाना क्षेत्रों से चुराए थे, जिसके FIR से कनेक्ट कर लिया गया है। इसका मतलब जो भी गाड़ी पास से बरामद हुआ है उसके लिए पूर्व से FIR पंजीकृत है विभिन्न थाना क्षेत्रों में। ये चोरी के वाहन एक कबाड़े में अधिकतर बेचते थे और कुछ गांव के क्षेत्रों में बेच दिया करते थे। अभी पूछताछ की जा रही है। खबर औरैया से है, जहां के सदर कोतवाली क्षेत्र में मोहल्ला नारायणपुर में देर रात चोरों ने एक बिजली फैक्ट्री को निशाना बनाया। चोरों ने गेट का कुंडा काटकर फैक्ट्री के अंदर रखा लगभग 1.5 लाख का सामान चोरी कर ले गए। फैक्ट्री मालिक द्वारा डायल 112 पर घटना की जानकारी दी गई। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने पड़ताल की तथा चोरी किए गए सामान की जानकारी हासिल की। सुनील शर्मा द्वारा पुलिस को चोरी की घटना की तहरीर दी गई है। पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। यहाँ पर सर चोरी हुई है, हम सुबह आते हैं फूल लेने के लिए, तो हमने जब देखा कि हमारे गेट खुले हुए हैं तो हमने भी यहाँ देखा गेट टूटा हुआ है, ताला भी डले हुए हैं और अंदर गए तो हमारी काफ़ी कम से कम ये मान के चलिए 1 से 1.5 तक का सामान हमारा लाख का चला गया है। यहाँ से रात में सर रहते हैं, लेबर रहती है, वो हमारी चली गई थी लेबर, अपने घर पर गई है, जो वहाँ रुकता है लड़का वो चला गया था घर पर। ये अभी तक पुलिस को सूचना दी आपने? हाँ, पुलिस आई थी, हमने 112 पे डायल भी किया था, पुलिस आई थी, वो बोले अभी चौकी पर आना तो एप्लीकेशन देना वहाँ पर आके। बलरामपुर जनपद में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जिसमें 400 लीटर अवैध स्प्रिट और निर्मित अवैध शराब के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान पुलिस ने बताया कि 16 जनवरी को तुलसीपुर के प्रभारी निरीक्षक, स्वास्थ्य टीम व सर्विलांस टीम द्वारा अवैध शराब बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया गया, जिसमें 2 अभियुक्त अनिल कुमार सोनी निवासी महाराजगंज तराई व सुशील जायसवाल निवासी बछरावा रायबरेली को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के पास से मौके पर अवैध शराब समेत भारी मात्रा में रैपर व अन्य सामग्री बरामद हुई। साथ ही अभियुक्तों ने कबूल किया है कि वह नकली शराब बनाकर बेचते थे और भारी मुनाफा भी कमाते थे। अवैध रूप से जो लोग भी शराब के कारोबार में संलिप्त हैं, उनके विरुद्ध अभियान चल रहा है और चुनाव में भी, क्योंकि इस तरह की चीजें आती हैं कि लोग शराब बांट के और इस तरह कार्रवाई करते हैं, तो उसके दृष्टिगत भी हम लोग लगातार प्रयास कर रहे थे कि जो भी लोग इस तरह के अवैध कार्य में शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो इसी संदर्भ में आबकारी की टीम, पुलिस थाना पुलिस तुलसीपुर और हमारी जो स्वाट की टीम है, हम लोग इस पे काम कर रहे थे। इनके द्वारा जो है कल 2 अभियुक्तों को पकड़ा गया है, एक अनिल कुमार सोनी और एक सुशील जायसवाल, और इनके पास से 400 लीटर अवैध रूप से स्प्रिट और देसी शराब के करीब 53 बॉटल्स और इसी तरह से दूसरी शराब की बॉटल्स, खाली बॉटल्स, ढक्कन, रैपर, काफ़ी संख्या में ये सारी चीज़ें पुलिस टीम के द्वारा बरामद की गई है, जिससे ये चीज़ सिद्ध होती है कि इनके द्वारा जो है अपमिश्रण किया जा रहा था शराब का, और दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके इनके न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है।
सीतापुर शहर कोतवाली इलाके में दो पक्षों की कहासुनी में जमकर मारपीट हुई, जिसमें एक निर्दोष व्यक्ति को भी पीट दिया गया। जानकारी के मुताबिक मोहल्ला दुर्गापुर निवासी युवक का किसी से झगड़ा हुआ था। युवक अपने घर में उस व्यक्ति को मारने के लिए दौड़ा और फटाहा पुल के पास एक चाय दुकान पर पहुंचा, जहां वो बैठकर चाय पी रहा था, जिसके बाद दोनों में मारपीट शुरू हो गई। इस मारपीट में युवक बुरी तरह से घायल हो गया और घायल अवस्था में उसे अस्पताल लाया गया। फिलहाल मामले में पुलिस कुछ भी कहने से इनकार कर रही है। चोट क्या झगड़ा किसी और से हुआ था? ये आगे ताप रहे थे बैठे वहाँ पे आगे गली, तो वो लोग उधर से दो लोग आए वहाँ से आकर के बस जो है ऐसे लाठी वहाँ से आगे से जलती हुई निकाली, मतलब लकड़ी लगी हुई थी वो निकाली, तो इसने कहा कि जो है देख के मारो देख के, तो उसने उसके बजाय इसी के मार दी सर पे। अच्छा, तो उसी गली में एक रहते हैं, उनका नाम तो उनको नहीं पता है, लड़के का राजेश है कोई, हाँ उनका लड़का है। अच्छा, ये कहाँ पे हुआ झगड़ा? ये दुर्गापुर पुल क्रॉस करने, जैसे पुल क्रॉस करेंगे रामहित भारती का कार्यालय उसी के सामने। अच्छा, फतेहपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां के खागा के भवानीपुर गांव से पुलिस को मिली कामयाबी। पुलिस ने अवैध असलाह फैक्ट्री का खुलासा किया है। गांव के बाहर जंगल में अवैध असलहे की फैक्ट्री संचालित की जा रही थी। आगामी विधानसभा चुनाव में अशांति फैलाने के लिए यह अवैध असलहे बनाए जा रहे थे। फैक्ट्री से पुलिस ने काफी मात्रा में अवैध असलहे, अर्धनिर्मित असलहे, जिंदा कारतूस व अवैध असलहा बनाने के उपकरण को बरामद किया है और 3 शातिर अपराधियों को मौके से गिरफ्तार किया है, जो जनपद सहित आसपास के जनपदों में अवैध असलहे की बिक्री करते थे। काल में भोर में एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री बनाने का कारखाना पकड़ा गया है, जिसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और ये 5 अदद निर्मित अवैध असलहे बरामद हुए हैं और 3 अदद अर्धनिर्मित असलहे एवं कारतूस बरामद हुए हैं। शस्त्र बनाने के ढेर सारे उपकरण वहाँ से मौके से बरामद हुए हैं। यह निश्चित रूप से इन शस्त्रों का प्रयोग विधानसभा चुनाव में कहीं न कहीं शांति व्यवस्था को बाधित करने के उद्देश्य से बनाए जा रहे थे और पुलिस को इस सफलता के लिए जो है नगद पुरस्कार से पुरस्कृत करने की घोषणा की गई है और यह जनपद फतेहपुर के लिए एक बढ़िया गुडवर्क है और इनको जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। इनके आपराधिक इतिहास भी हैं और कहाँ कहाँ थानों में इनके विरुद्ध मुकदमे पंजीकृत हैं, उसका भी संकलन किया जा रहा है। तो यह थी उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरें। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ बाल पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।